आज हम बात करने वाले हैं बैलेंस के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं संडे की छुट्टी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं कि छुट्टी में कितने दिन पढ़ना चाहिए, क्या आप हॉबीज़ परस्यू कर सकते हो। इस तरह के सवालों से बेसिकली ये सवाल कि यार मैं अपनी जेई प्रिपरेशन में अपना सब कुछ नहीं दे रहा हूँ, क्या मैं फिर भी IITian बन जाऊँगा। तो यार इसका मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मैं एक सिंपल से सवाल आपसे पूछता हूँ, ठीक है। MS धोनी जब छोटे थे, जब वो 17 साल के रहे होंगे, आपकी एज के रहे होंगे, आपको क्या लगता है वो संडे की छुट्टी लेते होंगे? आपको लगता है वो अपनी बैटिंग प्रैक्टिस छोड़ते होंगे संडे को, ठीक है? या जैसे शाहरुख खान की एक्टिंग वगैरह क्लास रहती है फिल्म्स वगैरह, अब तो चलो फिर भी उनका करियर बन चुका है, लेकिन जब उनका स्टार्ट हो रहा था, आपको लगता है कि उनको अगर डायरेक्टर ने बोल दिया कि भाई यार अभी गर्मी की छुट्टियाँ चल रही है, शूट पर आ जा, वो मना कर देते होंगे कि भाई नहीं आ सकता, चिल मार रहा हूँ? या इवन जैसे मैं अपनी जेई प्रेप जब कर रहा था, आपको क्या लगता है मैं ऐसे सोचता हूँगा कि भाई संडे है आज तो यार नहीं पढ़ते हैं, कभी और पढ़ लेंगे, ठीक है? क्या आप समझना चाह रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको किसी भी फील्ड के अंदर यदि सक्सेस पानी है, भले ही वो जेई हो गया या कोई और फील्ड भी आप पकड़ लीजिए, जब तक आप उस फील्ड में पूरा नहीं घुस जाते, आपको अपने लेवल का बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं मिलने वाला है, ठीक है? अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है, लेकिन आपका बेस्ट वो फिर नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ऐसे बच्चे रहे होंगे जो कम पढ़ के भी अच्छी रैंक ले आते हैं, लेकिन अगर वो पढ़ते अच्छे से तो वो और अच्छी रैंक ला सकते थे, ठीक है? ये एटीट्यूड मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया है इंटरनेट पे। लोग कहते हैं कि इस पर्सन की इतनी रैंक कैसे आ गई, इस पर्सन पास इतना पैसा क्यों है। मतलब लोगों को क्या चाहिए कि रिवॉर्ड भी चाहिए और उसके लिए मेहनत भी नहीं करनी, ठीक है? मतलब आप दो चीज़ आप चुन सकते हो, या तो आप मेहनत कर लो और आपको फल मिल जाए, ठीक है, या फिर आप मेहनत मत करो और फिर आपको फल नहीं मिलेगा और उसके साथ जीना सीख जाओ, विच इज़ कम्प्लीटली फाइन। उसमें कुछ गलत नहीं है। देर इज नथिंग रॉन्ग विद नॉट बींग एन IITian, देर इज नथिंग रॉन्ग विथ नॉट हैविंग अ गुड जॉब और वॉट एवर, जो भी सक्सेस का आपका क्राइटेरिया है वो नहीं होना, इज कम्प्लीटली फाइन। लेकिन उसे कॉन्सिक्वेंस के साथ जीना फिर सीखना पड़ेगा। आप दोनों चीज़ें नहीं कर सकते हो कि भाई मैंने ये चीज़ की भी नहीं और मुझे दुनिया एक्सेप्ट भी कर ले, नहीं, दोनों चीज़ नहीं होगी। एक चीज़ चुनो, ठीक है, या तो मेहनत करके बन जाओ IITian, फिर सब कुछ मिलेगा, और अगर नहीं करना चाहते हो मेहनत, कोई बात नहीं, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। कोई आपको गाली नहीं दे रहा कि भाई तो IITian नहीं बना। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला है कि IITian बना कंपलसरी, इट्स नॉट कंपलसरी, लेकिन फिर वो एक्सपेक्ट मत करना चीज़ें जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इफ़ यू आर सक्सेसफुल इन जी। ओके, तो इट्स सिंपल, देखो बहुत सिंपल सी बात है, आप कोई भी हॉबी परस्यू करना चाहते हो, आप कोई भी छुट्टी लेना चाहते हो किसी भी दिन, दैट इज़ फाइन, यू कैन। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी होगी कि उस समय कोई और बच्चा है जो पढ़ रहा है और वो आपसे स्मार्ट भी है, और वो IIT की सीट निकालेगा या आप निकालोगे, सिंपल सी बात बताओ। और ऐसा तो है नहीं कि सिलेक्शन रेशियो के 50-60% चल रहा है कि चलो एक आध बच्चा इधर उधर सेट हो जाए, 0.5% सिलेक्शन रेशियो है। IIT में अगर जाना है अच्छी ठीक ठाक एक जगह पे, 0.5-0.4% इस तरह का ही तो सिलेक्शन रेशियो है। तो अगर आपने किसी दिन स्लैक ऑफ किया, हज़ारों लाखों बच्चे जो आपकी से अगर जगह ले लेंगे, 0.4% में आना है, आप 1% की दहलीज पर खड़े हो, हल्का सा किसी ने और मेहनत कर लिया वो आपसे आगे बढ़ जाएगा, ठीक है? सो दिस इज़ नॉट सम कॉम्पिटिशन जहाँ पे लास्ट में पढ़ के हो जाएगा या कम पढ़ो तो भी हो जाएगा, नो, इट विल नॉट हैपन, इट विल नॉट हैपन, ठीक है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वॉट इज़ एट स्टेक। और ये चीज़ पता है लोगों को पता कब चलती है, जब जेई का रिजल्ट आ जाता है और फिर रैंक दिखती है ना, 4,30,512, ये रैंक जब दिखती है ना कि भाई मेरी बेटी को तो 95% आए थे 10th में, ये 4 लाख रैंक कैसे आ गई, ये वाला जब थॉट आता है ना सामने, तब रियलाइज़ होता है यार कि पढ़ लेना चाहिए था, नहीं लेनी थी संडे की छुट्टी, नहीं लेनी थी समर वेकेशन, नहीं जाना था उस ट्रिप पे, नहीं जाना था उस शादी में, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि क्या हम अपनी लाइफ ना जिए, अगर जेई क्रैक करने तो मत जियो, इट्स सिंपल। आपको जेई क्लियर करना है, नहीं जीनी पड़ेगी लाइफ, 2 साल की रिक्वायरमेंट है, इट इज़ द रिक्वायरमेंट। टॉक्सिक है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, टॉक्सिक है, मैं तो कह रहा हूँ जेई प्रेप ही टॉक्सिक है, लेकिन फिर आप छोड़ दो प्रिपरेशन। किसने आपको कहा थोड़ी है कि भाई तुझे करनी है प्रिपरेशन, मैंने किसने कंपलसरी थोड़ी किया हुआ है, यू कैन कंप्लीट, यू आर कंप्लीटली फ्री टू नॉट डू इट, लेकिन फिर सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? तो ये चीज़ अब आपको चॉइस करनी। लोग क्या चाहते हैं कि जेई प्रेप टॉक्सिक भी ना हो, कॉम्पिटिशन भी ना हो और हमें IIT मिल जाए, दोनों थोड़ी हो गया यार, यू हैव टू चूज, यू हैव टू चूज, या तो मेहनत की पेन सहो या बाद में रिग्रेट की पेन सहो, इट्स योर चॉइस, एंड बोथ ऑफ देम आर फाइन, कोई गलत नहीं है, ठीक है? लेकिन आई थिंक हमको सबको पता है कि अच्छी चॉइस कौन सी वाली है, ठीक है? पता है दिस इज़ लाइक सेइंग कि भाई मैं तो 10 घंटे प्रैक्टिस नहीं करूंगा और मेरे को तुम इंडिया की टीम में ले लो। करते हैं सब लोग, कोई भी जो एथलीट को आप देखो जो टॉप लेवल पर खेल रहा है, उनकी प्रैक्टिस आप देखोगे ना, जब वो 10 साल के आपकी एज के जब थे कितनी प्रैक्टिस करते थे, तुम देखोगे ना तुम पागल हो जाओगे। तुम जेई वाले नहीं पढ़ते उससे ज़्यादा वो लोग प्रैक्टिस हो जिम और पता नहीं क्या क्या करते हैं, डेली वीडियोज़ देखते हैं क्रिकेटर्स के कि भाई ये बंदा कैसे शॉट खेलता है, फिर जाके वो प्रैक्टिस करते हैं, तब होती है सिलेक्शन वगैरह कहीं, है
है ना, और आपको चाहिए कि हाँ भाई ऐसे ही जेई तो ऐसे ही है, निकल जाएगा यूं ही, नो, 0.4%, 0.4%, और ये बेयर मिनिमम है। 100 या 1000 रैंक चाहिए वो तो 0.0001, पता नहीं कहाँ चला जाता है रेशियो, राइट? सो यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। तो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि देर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन, मतलब आपने जितना ज़्यादा टाइम अपनी जेई को दिया उतना ज़्यादा आप उसमें बेटर होगे, उतना ज़्यादा आपकी अच्छी रैंक आएगी, और अगर आप नहीं देते हो टाइम, किसी और एक्टिविटी को देते हो तो आप उस चीज़ में बेटर होगे। सिंपल सी बात है, आप किसी और एक्टिविटी को टाइम दे रहे हो तो आप उसमें बेटर होगे। एंड मेरे अकॉर्डिंग एक चीज़ को ही देना चाहिए। देखो अगर आप टेनिस में इतने बढ़िया खिलाड़ी हो कि यार आप तो नेशनली फोड़ रहे हो, मेरे हिसाब से आप मत करो जाइए, आप टेनिस में जाओ, ठीक है? लेकिन आपके पास कोई टैलेंट वैलेंट कुछ और है नहीं, और तुम टाइम किस चीज़ों में दे रहे हो, फालतू के गप्पे लगाने में टाइम दे रहे हो, रील्स देख रहे हो, शॉर्ट्स देख रहे हो, तो यार उसका कोई सेंस नहीं है। दैट्स नॉट, मतलब क्या कर रहे हो, मतलब लिटरली टाइम पास है वो, कोई इंजॉइंग योर चाइल्डहुड नहीं होता है। लोग कहते हैं कि भाई जेई टॉपर्स ने अपना चाइल्डहुड इंजॉय नहीं किया, तुमने क्या इंजॉय किया, रील्स देखी, शॉर्ट्स देखी, ये तुम्हारा इंजॉयमेंट है, दोस्तों के साथ फालतू के गप्पे। लाइक आई अंडरस्टैंड फ्रेंडशिप इज अ थिंग, दैट्स ट्रू, फ्रेंडशिप्स होनी चाहिए, बट उसमें भी यार यू नो देर आर काइंड ऑफ फ्रेंडशिप। एक होता है कि यार ऐसी फ्रेंडशिप जो सच में एक अच्छी चीज़ नर्चर हो रही है, आप कुछ सीख रहे हैं एक दूसरे, लाइक दैट दैट काइंड ऑफ फ्रेंडशिप। एक और एक कुछ भी बस टाइम पास चल रहा है, दैट इज़ नॉट फन भाई, ठीक है? और वो सब चीज़ें बाद में हो जाती हैं। लाइक कई लोग बोलते हैं कि अच्छा ये IIT क्लियर कर ले, इनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। भाई 17 साल के बच्चे की कौन सी पर्सनैलिटी होती है, तेरी कौन सी पर्सनैलिटी है? कमेंट सेक्शन में कूल चीज़ें लिख के कूल बनने की, ये पर्सनैलिटी होती है, बन जाएगी चीज़ें वो, दैट पर्सन वो आगे जाके बन जाएगा, उसको स्पोर्ट्स भी वो पकड़ लेगा, फिटनेस भी आ जाएगी। भाई मुझे देखो, मेरी 2018 की वीडियोस देखो, कितना मोटा था, कुछ फिटनेस था नहीं, अब सब हो गया है, ठीक है? तो चीज़ें हो जाती हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि आगे आके, आप अभी छोटे ही तो हो, 17 16 साल की कोई उम्र थोड़ी होती है कि आई डिड नॉट क्लियर JEE बट एटलीस्ट आई हैव अ पर्सनैलिटी। नो, यू डोंट हैव अ पर्सनैलिटी, यू डोंट हैव अ पर्सनैलिटी, योर पर्सनैलिटी इज़ कि कोप करना, दैट इज़ नॉट कॉल्ड अ पर्सनैलिटी ब्रो, ठीक है? सो पॉइंट मेरा ये है कि अभी द बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम, इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर JEE, इज़ टू गिव एज मच टाइम ऑफ योर्स टू योर JEE एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा हो सके उसको ही टाइम दो, तब निकलेगा, वरना नहीं होगा, ठीक है? एंड इट इज़ ऑल्सो फाइन, मत करो, कोई बात नहीं, कोई फोर्स नहीं कर रहा है तुम्हें, ठीक है? सो या थोड़ी सी आई थिंक ज़्यादा हार्श हो गई वीडियो, दैट वॉज द वीडियो। सब्सक्राइब, नोटिफाई, लाइक कर देना, और JEE 26 कोर्स पे आज लास्ट डेट है ऑफ डिस्काउंट, तो डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है उस पर जाइएगा, आपको मेरा कोर्स 7500 इंस्टेड ऑफ 20,000 मिल जाएगा। इस कोर्स में मैंने खुद आपका कवरेज किया है, और यदि आप अपनी कोचिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं स्पेशली, दिस इज़ द कोर्स फॉर यू। आपका आराम से IIT क्लियर हो जाएगा, आपकी बैकलॉग्स वगैरह सब क्लियर हो जाएगी, 11th 12th एवरी थिंग इज कंटेंट इस एक कोर्स पे, आप पूरी तरह से रिलाय कर सकते हो। फर्स्ट लिंक के डिस्क्रिप्शन जाना, आज रात तक ले लेना, 7500 वन टाइम पेमेंट है, पूरा 2026 तक ये कोर्स चलेगा। दैट वॉज द वीडियो, गुड लक, बाय।